में बिनते फातिमा हाउस पे, जहाँ बहुत सी माएँ हैं। इन माओं की कहानी जानेंगे उन्हीं की जबानी। आ जाए मेरे साथ। ये दर व दीवार, यहाँ पर रहने वाली बहुत सी माएँ जिनको अपना घर तो अब अपना नहीं लगता, ना ही इस घर में वो सुकून मिला। हाँ, लेकिन इस घर में वो सुकून तलाश करने की कोशिश करें। बिनते फातिमा में ये कोई मेरा पहला विज़िट नहीं है। इससे पहले भी मैं समा के तवस्सुत से यहाँ पर बहुत शोज़ कर चुकी हूँ। ये माएँ मेरे साथ स्टूडियोज़ में भी आ चुकी हैं, मैं इससे मजाक कर चुकी हुई हैं, हंस चुकी हैं। हम पता नहीं कितनी बातें मुझे अपने घर वालों के बारे में बता चुकी हुई हैं। और सबसे पहले, इससे पहले कि मैं यहाँ पर एंटर हूँ, मैं देख रही हूँ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मग्स पड़े हुए हैं और यहाँ पर तस्वीरें फरजाना जी की। फरजाना जिन्होंने बहुत सारी माओं को अपनी आगोश में लिया। वैसे तो औलाद जो है उसको माँ अपनी आगोश में लेती है, लेकिन क्या करें जी, जब औलाद छोड़ के चली जाती है तो फिर वो माएँ किसकी आगोश में जाएँ। फरजाना जी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फरजाना जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप? बिल्कुल ठीक फरजाना जी, आप कैसी? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह फरजाना जी, अब थोड़ी ज़्यादा बड़ी जगह पे हम आ गए हैं। पहले जब आपके पास थे तो उस वक्त हम ये देखते थे कि जब थोड़ी थोड़ी जगह कम थी जब मैं लास्ट टाइम आई थी आपके पास। तो ये मुझे बताएं कि इस वक्त बिनते फातिमा में आपके पास कितनी माएँ हैं? मेरे पास इस वक्त 65 हैं, और अगर मैं स्टाफ को मिलाऊं तो 85 तक लोग बन जाते हैं। इनके लिए जो स्टाफ रखा हुआ है ना, तो 85 तक लोग हैं यहाँ, और माएँ जो हैं वो 65 हैं। अच्छा, मैं आपको फरजाना जी के बारे में एक बात बताऊँ। बिनते फातिमा में इतने लोगों ने अपने घरों से अपनी जन्नत को, अपनी माँ को निकाला हुआ, और ये उतनी जन्नतों को अपने पास यहाँ पे समेटा उन्होंने। अच्छा, मुझे फरजाना जी ज़रा ये जो मग्स पे मैं काफ़ी तस्वीरें देख रही हूँ, मुझे ज़रा इन माओं के बारे में बताएं जो यहाँ से शुरू हो रही हैं। ये ज़ोरापा है, जो कि अभी तक भी 12 साल हो गए, जो अभी भी मेरे पास है, और बाकी इनमें से कुछ को एक आध चली गई, बाकी अल्लाह को प्यारी हो गई है। अच्छा, मुझे पता है यहाँ से माएँ हैं जिनको घर वाले ले जाते हैं? बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम है जो के लेके जाते हैं। अक्सरियत अल्लाह के पास ही जाते हैं, लेकिन घर नहीं जाते। नहीं, घर नहीं जाते। अगर घर जाना हो तो घर से निकालें क्यों? मेन मसला तो यही है ना। हाँ। कि अगर इतना प्यार हो उनको तो अपने रिश्ते को घर से दूर क्यों करें, अपने से दूर क्यों करें? अच्छा, कभी कभी होता है कि चलो औलाद को पशेमानी होती है, दिल नरम हो जाता है, रियलाइजेशन हो जाती है कि हमने गलत किया। नहीं, मुझे नहीं लगता। वो लोग भी नहीं? मुझे नहीं, नहीं, मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। क्योंकि मेरा ख्याल है कि जितना मैं लोगों के सामने आती हूँ ना, बहुत कम लोग आते होंगे जिन्होंने शेल्टर बनाए होंगे। मेरी कोशिश यही होती है कि ये, और मेरी दुआ भी ये है कि ये इस तरह के शेल्टर या जो नाम ओल्ड होम के, मैं तो कहती नहीं, मैं तो कहती हूँ इन माओं का घर है ये। क्योंकि माशाल्लाह इतनी ज़्यादा माएँ हैं और अल्लाह के हुक्म से यहाँ आई हुई हैं, तो इन्हीं का घर हुआ ना। तो मैं तो दिन रात दुआ करती हूँ कि ये बंद हो जाए, ये होने नहीं चाहिए ना। आए, इतनी बढ़िया इनके अपने पास इनके रहे, अपने इनके पास ही हों, इनकी खुद खिदमत करें। आए जी, हम अंदर पर चलते हैं माओं से मुलाकात के लिए, क्योंकि यहाँ पर बड़ी माएँ, और मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से माएँ यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। हम जरा इन माओं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये माएँ जो हैं ये हमारे साथ यहाँ पर जो यहाँ हैं वो यहाँ कैसे पहुँची। फिलहाल जी, मैं चाहूँगी बता दें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू, शुक्रिया। मुझे बताएं, आप तो मुझे आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि आप अच्छी पढ़ी लिखी हैं। आपने क्या तालीम हासिल की थी? जी, मैंने बीएससी किया बस। आपने बीएससी किया जी, था जी। अच्छा, उसके बाद फिर आपने जॉब की? मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, फिर जॉब नहीं की। अच्छा, कितने आपके बच्चे हैं? मेरी एक ही बेटी है जी। एक ही आपकी बेटी है? आपके हस्बैंड की डेथ कब हुई जी? उनकी डेथ कब हुई? उनकी डेथ हुई 2019 में। अच्छा, 2019 में उनकी डेथ हुई। और एक बेटी आपकी जी? फिर आप यहाँ पर कैसे बेटे? बेटी आपको यहाँ छोड़ने आई या बेटी की शादी हुई है? नहीं नहीं, बेटी मेरी अभी 14 इयर्स की है। बेटी अभी आपकी 14 साल की जी है, तो भी बहुत छोटी है जी। हाँ, इलाही आमीन। तो फिर रुबीना जी, यहाँ पे आप कैसे आई? जी, यहाँ पे मैं ऐसे आई कि मैं जहाँ रहती थी वहाँ मेरे लिए काफ़ी मुश्किलात पड़ गई। फिर ये कहाँ रहती थी? अम्मी अब्बू के घर रहती थी? नहीं, अम्मी अब्बू की डेथ हो गई। ससुराल रहती थी जी, बस यही समझे कि मैं ससुराल में थी, तो वहाँ पे मुश्किलात हुई काफ़ी। फिर मुझे वहाँ पे वहाँ से निकलना पड़ा, तो मैंने फिर एक किराए पे घर लिया जिसमें मैं और मेरी बेटी और एक मेड रहते थे।
फिर आपको पता है आजकल हालात इतने ख़राब हैं कि मैं अकेली बेटी को लेके नहीं रह सकती थी, मेट पे भी आजकल एतबार नहीं जी। फिर मैंने सर्च करना शुरू किया कि मैं किसी ऐसे ट्रस्ट में चली जाऊं जहां मुझे सेफ्टी मिले। फिर मैंने सारे जितने अदारे थे सबको मैंने देखा, लेकिन मुझे कोई अच्छा नहीं लगा। सब में कुछ ना कुछ ऐसी कोई स्टोरी थी या क्या था। फिर जब मैंने बिनते फातिमा जी ससुराल में, लेकिन आपके बहन भाई कोई हैं? बस वो भी एक अलग कहानी है। आपको पता है आजकल कोई किसी का नहीं। अब भाई ने भी शादी की तो बस उनकी वजह से मेरी अम्मी की डेथ हो गई। फिर मैंने कि बहन भाई वो कहते रहने की कोई जगह नहीं थी। नहीं नहीं, मैं खुद भी नहीं रहना चाहती किसी के पास। एक दिन कोई रखेगा, दो दिन रखेगा, तीन दिन, चौथे दिन जाहिर है मेरी लाइफ तो अब सिंगल पेरेंट्स हो गई मैं अपनी बेटी के लिए। तो मेरी लाइफ जो है इससे पहले कि मुझे हर कोई धक्के मार के निकाले, उससे पहले मैं कोई आपकी बेटी कहाँ है ये मुझे बताएं जी। वो हॉस्टल में है। अच्छा, वो हॉस्टल में जी जी। ठीक है, वो हॉस्टल में पढ़ रही है। हाँ। जी हाँ। और आप यहाँ पर हैं? जी हाँ, मैंने खुद आने का फैसला किया यहाँ पे। खुद आप यहाँ जी? मुझे यहाँ पे बहुत सेफ्टी नजर आई, बहुत ज्यादा। मैंने जब सर्च किया तो मुझे सबसे अच्छा बिनते फातिमा नाम। आपके हाथ को क्या हुआ? जी ये मेरा एक्सीडेंट हुआ था जब मेरे हस्बैंड जिंदा थे तब। अच्छा जी हाँ, उसके बाद हस्बैंड की डेथ हुई तो मुझे फालिज हुआ, मैं पैरालाइज हो गई। तो मुझे ऐसे को तो वैसे कोई नहीं रखेगा। आप जब आप यहाँ पर हैं आप या मैं बहुत खुश हूँ जिस तरीके से। देखो अल्लाह है ना, अल्लाह है संभालने वाला, बिना कोई किसी को नहीं संभालता, अल्लाह संभालता है। ये लो टिश्यू और ले लो, अल्लाह संभालने वाला है। यहाँ पर सिर्फ वो माएँ मौजूद हैं जिनके बच्चों ने घर से निकाल दिया, यहाँ पर वो भी औरतें मौजूद हैं जिनका कोई नहीं है उस अल्लाह के अलावा। बच्ची इनकी छोटी और अकेली है औरत। और आपको यहाँ पर कितना अर्सा हो गया है? जी मुझे तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। 2 साल आपको यहाँ पर होने वाले हैं? कभी आपके भाइयों ने वैसे भूल के सोचा हो कि हमारी बहन है? कभी नहीं, कोई नहीं, कभी भी नहीं आया? नहीं जी, कोई नहीं। जो बेटी है उसकी हॉस्टल की फीस आप कैसे अफोर्ड कर रही हैं? बस अल्लाह देने वाला है। बच्ची आपकी पढ़ रही है? जी हाँ। वो क्या पढ़ रही बेटी आपकी? बेटी मेरी अभी 8 में है, 14 इयर्स। जी 8 में हॉस्टल में जी। वो आती मिलने आपसे? जी आती है। वो आती मिलने आपसे? जी जी। जब उसकी गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं तो वो फिर आपके पास आ जाती है? नहीं नहीं, मैं जाती हूँ फिर रहने के लिए उसके पास। आप जाती हैं उसके पास रहने के लिए? छुट्टियाँ जब ख़त्म होती है तो वापस आ जाती हैं? जी मैं थोड़े दिनों के लिए जाती हूँ, इसलिए कि फिर उसकी पढ़ाई, उसके इवेंट्स वगैरह जो वहाँ पे हो रहे होते हैं उसमें वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से फिर मैं उसके फ्यूचर की वजह से मैं यहाँ आई कि उसका फ्यूचर अच्छा हो जाए, ब्राइट हो जाए। तो बस क्या कहूँ। क्या चाहती हैं आपकी बेटी क्या बने? वो उसकी मर्जी है, जो वो डिसाइड करेगी आफ्टर मैट्रिक। उसका तो बहुत होगा कि बस मैं कुछ बन जाऊँ, मैं अपनी अम्मी को अपने पास ले जाऊँ। वो तो कहती होगी अम्मी इंशाल्लाह जी जी, जी कुछ बन जाओ, मेरी जॉब हो जाए, मैं कर लूँगी फिर उसमें। जी हाँ, वो बिल्कुल जाहिर है, बेटी है, बच्ची है, बहुत लाडली और एक ही तो उसके भी बहुत सारे मसल्ला पाक उसकी भी मुश्किलें आसान करते, परवरदिगार उसे कामयाब करते, उसका नसीब अच्छा करते, नेक सीरत फरमाबरदार बनाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। देखिए माँ, वही मैं हमें ये लग रहा होता है कि ये जो ओल्डूज होते हैं ना, यहाँ पर वही लोग ही आते जो कि अपने जिनके बच्चों ने घर से निकाल दिया होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हमारी बहुत सारी ऐसी औरतें, और वाकई हमारे जैसे मुआशरे में एक अकेली औरत का सर्वाइव करना बड़ा बड़ा मुश्किल है।